हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जो आप लोगों का चैप्टर द एंट एंड द ग्रास ओपर चल रहा है वो यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया है। इसके बाद आप आगे देखिए। पुअर जॉर्ज ओनली अ ईयर ओल्डर देन इज स्केप क्रेज ब्रदर लुक्ड 60। पुअर जॉर्ज बेचारा जो जॉर्ज था ओनली केवल एक साल ओल्डर बड़ा देन अपेक्षा हिज उसके स्केप ग्रेस यानी निर्लज ब्रदर भाई लुक्ड दिखाई पड़ता था 60 साल का। बेचारा जॉर्ज जो अपने निर्लज भाई की अपेक्षा केवल एक साल बड़ा था वो 60 साल का दिखाई पड़ता था। ही हैड नेवर टेकन मोर देन अ फोर्ट नाइट्स हॉलीडे इन द ईयर फॉर अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी। कह रहे ही वाइड सैगियन नेवर कभी नहीं टेकन लिया मोर अधिक देन अपेक्षा फोर्ट नाइट यानी पखवाड़ा जिसे 15 दिन कहते हैं हॉलीडे छुट्टी इनमें ईयर वर्स फॉर के लिए क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी यानी कि शताब्दी का एक चौथाई यानी 25 साल। कह रहे हैं कि उसने अपने 25 साल के कैरियर में कभी भी 15 दिन से अधिक छुट्टी नहीं ली। ही वॉज इन हिज ऑफिस एवरी मॉर्निंग एट 9:30 एंड नेवर लेफ्ट इट टिल 6। ही वॉज था इनमें हिज उसके ऑफिस एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह 9:30 9:30 एंड और नेवर कभी नहीं लेफ्ट छोड़ा इट इसे टिल तक 6। कह रहे वो अपने ऑफिस सुबह 9:30 पहुंच जाता था और कभी भी उसको 6 बजे से पहले नहीं छोड़ता था यानी 9:30 से 6 बजे तक ऑफिस में रहता था। ही वॉज ऑनेस्ट इंडस्ट्रियस एंड वर्दी। ही वॉज था ऑनेस्ट ईमानदार इंडस्ट्रियस परिश्रमी एंड और वर्दी योग्य। वह ईमानदार परिश्रमी और योग्य था। ही हैड अ गुड वाइफ टू होम ही हैड नेवर बीन अनफेथफुल इवन इन थॉट। ही वा हैड सैगियन गुड वाइफ अच्छी पत्नी होम जिसके लिए ही वा हैड सैगियन नेवर कभी नहीं बीन होना अनफेथफुल यानी कि विश्वासघाती इवन यहाँ तक कि इनमें थॉट विचार। कह रहे हैं उसकी एक पत्नी थी जिसके लिए विचारों में भी वो विश्वासघाती नहीं हो सकता था धोखा देने वाला नहीं हो सकता था। एंड फोर डॉटर्स टू होम ही वॉज द बेस्ट ऑफ फादर्स एंड और फोर चार डॉटर्स पुत्रियाँ होम जिनके लिए ही वह वॉज था बेस्ट सबसे अच्छा फादर पिता और उसकी 4 पुत्रियाँ थी जिनके लिए वो सबसे अच्छा पिता था। ही मेड अ पॉइंट ऑफ सेविंग अ थर्ड ऑफ हिज इनकम एंड हिज प्लान वॉज टू रिटायर एट 55 टू अ लिटिल हाउस इन द कंट्री वेयर ही प्रपोज टू कल्टिवेट हिज गार्डन एंड प्ले गोल्फ। ही वा मेड बनाया पॉइंट बिंदु सेविंग बचाना थर्ड तिहाई ऑफ काकी के हिज इनकम। उसने ये सोचा था कि वो अपनी जितनी भी उसकी आय है उसकी एक तिहाई भाग वो बचाएगा एंड और हिज उसका प्लान और उसकी योजना थी वॉज थी रिटायर सेवानिवृत्ति के बाद 55 यानी 55 साल। तो उसकी योजना थी कि 55 साल की उम्र में जब वो रिटायर हो जाएगा तो लिटिल हाउस छोटा घर इनमें कंट्री देहात जो गांव में उसका जो छोटा घर है वेयर जहां ही वह प्रपोज्ड प्रस्तावित था कल्टीवेट विकसित करना हिज अपना गार्डन बगीचा एंड और प्ले खेलना गोल्फ जो गोल्फ होता है गोल्फ स्टिक से जो खेला जाता है हॉकी जैसा होता है खेल। तो कह रहा है कि उसकी योजना थी कि जब वो 55 साल में रिटायर हो जाएगा तब गांव में अपने छोटे से घर में जाएगा जहां पर वो अपने बगीचे की देखभाल करेगा और गोल्फ खेलेगा। हिज लाइफ वॉज ब्लेमलेस हिज उसकी लाइफ जीवन वॉज थी ब्लेमलेस निष्कलंक उसका जीवन निष्कलंक था यानी उसके ऊपर कोई भी आरोप नहीं था। ही वॉज ग्लैड दैट ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड बिकॉज टॉम वॉज ग्रोइंग ओल्ड टू। ही वॉज था ग्लैड प्रसन्न दैट कि ही वॉज था ग्रोइंग हो रहा ओल्ड बूढ़ा बिकॉज क्योंकि टॉम वॉज था ग्रोइंग हो रहा ओल्ड बूढ़ा टू भी। वह प्रसन्न था कि वह बूढ़ा हो रहा था क्योंकि टॉम भी उसी के साथ साथ बूढ़ा हो रहा था क्योंकि टॉम उससे केवल एक साल छोटा था। ही रब्ड हिज हैंड्स एंड सेड ही वॉज रब्ड रगड़ता था हिज अपने हैंड्स हाथ एंड और सेट कहता था वो अपने हाथों को रगड़ता था और कहता था कि इट वॉज ऑल वेरी वेल वेन टॉम वॉज यंग एंड गुड लुकिंग बट ही इज़ ओनली अ ईयर यंगर देन आई एम। इट वॉज था ऑल्सो भी वेरी वेल बहुत अच्छा वेन जब टॉम वॉज था यंग युवा एंड और गुड लुकिंग अच्छा दिखाई पड़ने वाला कर सक बट किंतु ही वॉज इज ओनली केवल अ ईयर एक वर्ष यंगर छोटा देन आई एम मेरी अपेक्षा। कह रहे हैं कि ये तब बहुत अच्छा लगता था टॉम को बहुत अच्छा लग रहा था कि जब वो युवा था और आकर्षक था लेकिन वो मेरे से केवल एक साल छोटा है। इन 4 ईयर्स ही विल बी 50 इन 4 सालों में वो 50 साल का हो जाएगा। ही वॉन्ट फाइंड लाइफ सो ईजी देन ही वह वुड सैगियन नॉट नहीं फाइंड पाना लाइफ जीवन सो इतना ईजी आसान देन तब वह जीवन को इतना आसान नहीं पाएगा। आई शैल हैव 30,000 pounds बाई द टाइम आई एम 50 आई में शैल हैव सैकड़ी या 30,000 pounds 30,000 pounds बाई द टाइम उस समय तक आई एम 50 50 वर्ष। कह रहा है कि जब मैं 50 वर्ष तक हो जाऊंगा उस समय तक मेरे पास 30,000 pounds होंगे। फॉर 25 years आई हैव सेड दैट टॉम वुड एंड इन द गटर फॉर क्योंकि से 25 years 25 सालों से आई मैं हैव सेड कहा दैट कि टॉम
वुडसाइड या एंड अंत इनमें गटर। और मैं 25 सालों से कह रहा हूँ कि टॉम का भले ही जितना भी आनंद उठा ले अपने जीवन में, लेकिन उसका अंत जो है गटर में ही होगा। एंड वी शैल सी हाउ ही लाइक्स दैट एंड और वी हम चल सकते हैं सी देखना हाउ कैसे ही वह लाइक्स पसंद करता है दैट वह, और हम देखेंगे कि वह कैसे पसंद करता है, कि मतलब अब वो कैसे रहेगा उस पीरियड में। वी शैल इफ़ इट रियली पेज बेस्ट टू वर्क और बी आइडियल, वी हम चल सकते हैं सी देखना इफ़ यदि इट या रियली वास्तव में पे अदा करता है बेस्ट, अच्छा वर्क कार्य करना और या बी होना आइडियल यानी कि निकम्मा रहना, और तब हम देखेंगे कि मेहनत करना अच्छा होता है कि निकम्मा बने रहना अच्छा होता है। उसके बाद कहता है पुअर जॉर्ज, बेचारा जॉर्ज, आई सिम्थाइज्ड विद हिम, आई मैं सिम्थाइज्ड यानी उसके प्रति सांत्वना थी, विद साथ में हिम उसके, मेरे मन में उसके प्रति सांत्वना थी। आई वंडर्ड नाउ एज आई सेट डाउन बिसाइड, आई मैं वंडर्ड आश्चर्य किया नाउ अब एज जैसे आई मैं सेट डाउन बैठा बिसाइड बगल में, और मैंने आश्चर्य किया या विचार किया जब मैं उसके बगल में बैठा हिम उसके। What infamous thing Tom had done? What क्या infamous अप्रसिद्ध thing वस्तु Tom had done, Tom ने की। अब मैं यही सोच रहा था जब मैं उसके बगल में बैठा कि Tom ने अब क्या कर दिया। George was evidently very much upset. George was था evidently स्पष्ट रूप से very much बहुत अधिक upset परेशान। George स्पष्ट रूप से बहुत अधिक परेशान था। Do you know what's happened now? He asked me. Do you know? No, जानना what क्या happened घटित हुआ now अब he was पूछा me मुझसे। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम जानते हो कि अब क्या हुआ। I was prepared for the worst. I मैं was था prepared तैयार for के लिए worst बुरा। मैं बुरे से बुरी बात सुनने के लिए तैयार था। I wondered if Tom had got into the hands of the police at last. I मैं wondered विचार किया if यदि Tom हेड साइड या गॉट इनटू पड़ गया हैंड्स हाथ ऑफ आगे के पुलिस एट लास्ट अंत में। मैंने विचार किया कि क्या टॉम अंत में पुलिस के हाथों पड़ गया है। जॉर्ज कुड हार्डली ब्रिंग हिमसेल्फ टू स्पीक, जॉर्ज कुड साइक्रिया हार्डली मुश्किल से ही ब्रिंग हिमसेल्फ स्वयं को स्पीक बोलना, जॉर्ज मुश्किल से ही बोल पाया। यू आर नॉट गोइंग टू डिनाई दैट ऑल माई लाइफ आई हैव बीन हार्ड वर्किंग डिसेंट रिस्पेक्टेबल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू आप आर वो नॉट नहीं गोइंग जा रहे डिनाई अस्वीकार करना दैट की ऑल माई लाइफ मेरा पूरा जीवन आई मै हैव साइकिया बीन होना हार्ड वर्किंग परिश्रमी डिसेंट शिष्टाचारी रिस्पेक्टेबल सम्मानित एंड और स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी जो बात मतलब सीधी बात कहने वाला। तो कह रहे हैं कि तुम इस बात से इनकार नहीं करोगे कि मैं अपने पूरे जीवन भर परिश्रमी रहा शिष्टाचारी रहा सम्मानित रहा और स्पष्ट वक्ता रहा। आफ्टर अ लाइफ ऑफ इंडस्ट्री एंड थ्रिफ्ट आई कैन लुक फॉरवर्ड टू रिटायरिंग ऑन अ स्मॉल इनकम इन गिल्ट एज सिक्योरिटीज। आफ्टर बाद में लाइफ जीवन ऑफ काकिंग इंडस्ट्री मेहनत एंड और थ्रिफ्ट यानी बचत की आई मैं कह सकना लुक देखना फॉरवर्ड आगे रिटायरिंग सेवानिवृत्त होने के बाद ऑन पर स्मॉल इनकम छोटी आय इनमें गिल्ट एज सिक्योरिटीज यानी कि जिनको मैंने बहुत ही मेहनत से जिनकी बचत की है। तो कह रहे हैं कि मेहनत से भरी हुई ज़िंदगी और बचत से भरी हुई ज़िंदगी के बाद जो मैंने बड़ी मेहनत से अपनी आय का छोटा भाग बचाया है सेवानिवृत्ति के बाद मैं उस पर अपना जीवन बाकी बिताने की उम्मीद रखता था। आई हैव ऑलवेज डन माई ड्यूटी इन दैट स्टेट ऑफ लाइफ इन विच इट हैड प्लेस्ड प्रोविडेंस टू प्लेस मी। आई मैं ऐसा किया ऑलवेज हमेशा डन किया माई ड्यूटी मेरा कर्तव्य इनमें दैट वॉज स्टेट स्थिति ऑफ काके के लाइफ जीवन इनमें विच जो इट या ऐसा किया प्लीज्ड प्रसन्न किया प्रोविडेंस ईश्वर प्लेस रखना मी मुझे। कह रहे हैं मैं हमेशा हर उस स्थिति में मैंने रहना पसंद किया जिस स्थिति में भगवान ने मुझे रखना चाहा है। तो राइटर कहता है ट्रू हाँ सत्य बात है। एंड यू कॉन्ट डिनाई दैट टॉम हैड बीन एन आइडल वर्थलेस डिसोल्यूट एंड डिसऑनरेबल रॉ एंड और यू आप कह सकना नॉट नहीं डिनाई अस्वीकार करना दैट कि टॉम हैज़ बीन साइकिया आइडल निकम्मा वर्थलेस अयोग्य डिसोल्यूट दुष्ट धृष्ट डिसऑनरेबल असम्मानित रॉ दुष्ट पर्सन। कह रहे हैं और तुम इस बात से भी इनकार नहीं करोगे कि टॉम एक निकम्मा अयोग्य दुष्ट और असम्मानित व्यक्ति रहा है। इफ़ देयर वर एनी जस्टिस ही हैड बीन इन द वर्क हाउस, इफ़ यदि देयर वर थे एनी कोई जस्टिस न्याय ही वह हैड सेगिया भी होना इनमें वर्क हाउस जेल, और अगर कहीं न्याय की बात हो तो वह जेल में होगा। तो राइटर ने कहा ट्रू सही है। जॉर्ज ग्रीव रेड इन द फेस, जॉर्ज का चेहरा एकदम लाल हो गया। अ फ्यू वीक्स एगो ही बिकेम एंगेज्ड टू अ वुमन ओल्ड इनफ टू बी हिज मदर। अ फ्यू वीक्स अगो कुछ हफ्तों पहले ही वह बिकेम हुआ एंगेज्ड विवाह किया वुमन स्त्री ओल्ड इनफ बूढ़ी भी होना हिज उसकी मदर माता।
तो जॉर्ज ने बताया कि कुछ हफ्तों पहले उसने एक ऐसी स्त्री जो उसकी माता की उम्र की थी उससे विवाह किया, एंड नाउ शी इज डाइड एंड शी हैज़ डाइड एंड लेफ्ट हिम एवरीथिंग सी हैड एंड और नाउ अब शिवा हैज़ डाइड मर गई एंड और लेफ्ट छोड़ दिया हिम उसके लिए एवरीथिंग हर चीज़ शिवा हैड पास में। और कह रहे हैं अब उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसने हर वो चीज़ छोड़ दी है उसके लिए टॉम के लिए जो उसके पास थी। हाफ अ मिलियन पाउंड्स यानी हाफ अ मिलियन पाउंड्स यानी कि 1 मिलियन का आधा पाउंड उसने छोड़ा था, ठीक है। और अ याट एक नौका, अ हाउस इन लंदन एंड अ हाउस इन द कंट्री, एक घर उसने लंदन में छोड़ा था, एक घर देहात में छोड़ा था, गांव में छोड़ा था। इतना सब कुछ मतलब छोड़ के उसकी मृत्यु हुई थी। जॉर्ज रामसे बीट हिज क्लेंस्ड फिस्ट ऑन द टेबल, जॉर्ज रामसे बीट पीटा हिज अपना क्लेंस्ड फिस्ट मुट्ठी जिसे कहते हैं भींची हुई ऑन पर टेबल, जॉर्ज रामसे ने मेज पर अपनी भींची हुई मुट्ठी जो है मारी। इट्स नॉट फेयर आई टेल यू इट्स नॉट फेयर डैम इट इट्स नॉट फेयर, बार बार वो कहने लगे मैं तुमसे कह रहा हूँ ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, डैम इट लानत है ये सही नहीं है। आई कुड नॉट हेल्प इट, मैं उसकी इसमें कोई सहायता नहीं कर पाया। आई बस्ट इनटू अ शाउट ऑफ लाफ्टर एज आई लुक्ड एट जॉर्ज ब्रेथफुल फेस, आई मैं बस्ट इनटू शाउट ऑफ लाफ्टर यानी मैं ठहाका मारकर हंसा एज जैसे आई मैं लुक देखा जॉर्ज ब्रेथफुल फेस, जॉर्ज का गुस्से से भरा चेहरा। तो मैंने जैसे ही जॉर्ज का गुस्से से भरा चेहरा देखा मैं ठहाका मारकर हंसा। आई रोल्ड इन माई चेयर, मैं अपनी कुर्सी में लुढ़क गया। आई वेरी नियरली फेल ऑन द फ्लोर, और मैं लगभग जो है फर्श पर गिरने वाला था। जॉर्ज नेवर फॉरगिव मी, जॉर्ज ने मुझे कभी भी माफ़ नहीं किया। बट टॉम ऑफन आस्क मी टू एक्सीलेंट डिनर्स इन हिज चार्मिंग हाउस इन मेफेयर, बट किंतु टॉम ऑफन अक्सर आस्क बुलाता था मी मुझे एक्सीलेंट सर्वोत्तम डिनर इन में उसके चार्मिंग आकर्षक हाउस घर इन मेफेयर, मेफेयर एक स्थान है। तो कह रहे हैं लेकिन टॉम जो है वो मुझे अब मेफेयर में अपने आकर्षक घर में अक्सर जो है सर्वोत्तम डिनर के लिए बुलाया करता था। एंड इफ़ ही ओकेशनली बोरोस अ ट्रिफल फ्रॉम मी, एंड और इफ़ यदि ही वो ओकेशनली कभी कभार बोरोस उधार लेता था ट्रिफल यानी सिक्का फ्रॉम से मी मुझे, और यदि वो कभी कभार मुझसे एक सिक्का उधार लेता था दैट इज़ मेयरली फोर्स ऑफ हैबिट, दैट वा इज़ ए मेयरली केवल फोर्स ऑफ हैबिट यानी ये केवल उसकी आदत थी ना उधार लेने की, इसलिए इट इज़ नेवर मोर देन अ सॉवरेन, इट इज़ ए नेवर कभी नहीं मोर अधिक देन अपेक्षा सॉवरेन यानी कि सिक्का पैसा। कह रहे यह कभी एक सॉवरेन से अधिक नहीं होता था, मतलब एक सिक्के से अधिक जो है उधार वो नहीं लेता था क्योंकि ये उसकी आदत थी, अब उसे उधार लेने की क्या ज़रूरत है, उसके पास तो इतना पैसा आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, इसके बाद हम लोग पोएट्री वगैरह पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।